नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो लाइव न होके आपके पास रिकॉर्डेड पहुंच रहा है, हालांकि लाइव क्लास से ही पहुंच रहा है, आई मीन ऑफलाइन बैच से ही आपके पास पहुंच रहा है। तो इसका रीजन ये है कि इंटरनेट की जो सुविधाएं हैं थोड़ी सी आज बाधित है, और इस वजह से हम लोग आज इसको रिकॉर्ड में अपडेट कर दूंगा। जैसे ही क्लास खत्म होगी मैं इसको अपडेट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, आप वहां पे इसको देख पाएंगे। ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में तुम क्या उम्मीद रखोगे? आज के इस क्लास में हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स को करेंगे, 2023 में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे, किस तरह के प्रश्न आए थे। टोटल 14 क्वेश्चन दिखे मुझे 2023 एनडीए 2 में। एनडीए 1 में भी कई सारे क्वेश्चन दिखे हैं, तो उनको भी मैंने पीडीएफ में डाल दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से और उसको देख सकते हैं। ज्यादा क्वेश्चन मैं क्लास में कराने का प्रयास करूंगा। उसके अलावा जो कुछ और बच्चों ने डाउट्स पूछे हैं वो भी हम डेफिनेटली आज की क्लास में कवर कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं। देखिए, परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, राइट, हिंदी में इसको क्रमचय और संचय कहते हैं, क्रमचय और संचय कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी अरेंजमेंट की बात होगी, अरेंजमेंट की, अभी 2023 में जो प्रश्न आए थे वो अरेंजमेंट पे आए थे, एनडीए 2 में प्रोबेबिलिटी पे, राइट। तो 100% वो इससे रिलेशन रखते हैं और ये आपको पता होना चाहिए। बातें समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो जब कभी भी आप एनपीआर का फॉर्मूला लगाते हैं, जिसको कई बार इस प्रकार से भी लिखा जाता है, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एन अलग अलग चीजें हैं, उनमें से आर चीजों को हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं, क्रम में लगा सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, और जब कभी भी सिलेक्शन की बात होती है, सिलेक्शन यानी टीम का गठन करना होता है, सिलेक्शन की बात होती है, तो उस समय किसकी बात होती है? कॉम्बिनेशन की बात होती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन, इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? एनसीआर या कई बार सीएनआर इस प्रकार से भी लिखा जाता है। यह क्या बात होती है? एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, एक आर फैक्टोरियल और नीचे एक्स्ट्रा आ जाएगा। बात समझ गए? ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जानते होंगे। तो जब कभी भी प्रायिकता का कोई भी सवाल अरेंजमेंट और सिलेक्शन के ऊपर आधारित होगा तो आपको इसका प्रयोग करना पड़ेगा, इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए मैंने कुछ शॉर्टकट्स भी दिए थे पीछे परमुटेशन कॉम्बिनेशन कराते हुए, लेकिन एक बार बहुत जल्दी से दोहरा रहा हूं, ध्यान से लिख लेना, इससे कैलकुलेशन की स्पीड कई गुना तेज हो जाती है। जो बातें बताने जा रहा हूं ध्यान से इसको लिख लीजिएगा, राइट। सबसे पहली बात, NC0 और NCN हमेशा एक होता है। क्या मतलब है? N में से किसी को भी ना चुनना, एक ही तरीका है उसका, किसी को मत चुनो, N में से N को चुन लेना, सब कुछ उसका भी एक ही तरीका है, किसी सब के सब को चुन लो, एक ही तरीका है, राइट। अगर तुम्हारे पास NC1 होता है या NCN-1 होता है, तो इसका मतलब है कि N में से एक को चुनना, कितने तरीके से चुनोगे? N तरीके से। N में से N-1 को चुनना, इसका मतलब एक को छोड़ देना, कितने तरीके से छोड़ोगे? N तरीके से। ठीक है, इसीलिए तुम फॉर्मूले में भी लगा के देखोगे तो ये हमेशा ही कितना होता है? N होता है। ठीक है भैया, और किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? NC2, N में से दो चीजों को चुनना या फिर N में से दो चीजों को छोड़ देना, बात वही है, कैलकुलेशन में संख्या वही मिलती है, कितना होता है ये? NN-1 बटे में फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मान दो ही होता है, तो डेफिनेटली यही रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं? दो और बातें इससे पहले कि हम अगले कॉन्सेप्ट और कुछ सवालों की तरफ बढ़ें, दो और कॉन्सेप्ट, राइट, जो आपकी कैलकुलेशन के लिए आवश्यक है मेरी नजर में, आप जरूर से लिख लीजिएगा और इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका NC3, हालांकि इसका प्रयोग थोड़ा कम होता है, सबसे ज्यादा प्रयोग तुम्हें इसका दिखाई देगा, NC2 का, ये सबसे ज्यादा परीक्षा में मिलने वाला कैलकुलेशन है, NC3 और NCN-3। क्या होता है भाई? फैक्टोरियल n, n छोड़ो, फैक्टोरियल छोड़ो, फैक्टोरियल से तो हम लोग निजात पाना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, जितने बार होगा, तीन बार है तो तीन बार घटा के मल्टीप्लाई होगा, दो था तो दो टर्म आया, चार टर्म है तो चार टर्म आएगा, ठीक है, और नीचे डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। समझ गए? एक बात ध्यान रखना कि अगर कभी भी NCA बराबर NCB है
जितनी बातें ये नीचे बता रहा हूं ये सब सुपर इंपॉर्टेंट है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको यहां से मिलेंगे और आपको प्रोबेबिलिटी पे भी इसकी आवश्यकता कैलकुलेशन में बहुत जबरदस्त पड़ेगी, इसलिए ये सारी बातें बहुत ध्यान से लिखिएगा, अप्लाई कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। अगर कभी भी एनसीए एनसीएबी के बराबर है तो ऐसा सिर्फ दो कंडीशन में होता है, या तो ए बराबर बी है या फिर ए प्लस बी का मान एन के बराबर है। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? ओके, ठीक है, आगे बढ़ाऊं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट सवालों से पहले, कॉन्सेप्ट ऑफ एंड और ऑर। एंड और ऑर, जब कभी भी एंड होगा तो चीजों को गुना करोगे, जब कभी भी और होगा चीजों को जोड़ोगे, ऐड करोगे, राइट। कहते हैं कि या तो एक गर्ल सेलेक्ट होगी या फिर एक बॉय सेलेक्ट होगा, तो वहां दोनों चीजों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बढ़कर बोलते हैं कि एक गर्ल भी सेलेक्ट करनी है एंड एक बॉय भी सेलेक्ट करना है, तो वहां दोनों चीजों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो एंड और का मतलब आप ध्यान रखेंगे, जब कभी भी एंड होगा तो आप क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, राइट, और जब कोई भी और होगा तो आप ऐड करेंगे। बातें क्लियर है? अभी क्वेश्चंस में इन सबको अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली इन सबको सवालों में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एंड और भी बहुत ध्यान से रखना। सेट थ्योरी में एंड को ही आप इंटरसेक्शन कहते हो, इंटरसेक्शन, और सेट थ्योरी में और को ही आप यूनियन कहते हो। यूनियन जब होता है तो ऐड करते हैं, इंटरसेक्शन जब होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। समझ गए कि नहीं? ठीक है, इससे रिलेटेड एक बात आपने पीछे पढ़ी भी है कि जब दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन किसके बराबर होता है, उनके गुणनफल के बराबर होता है, उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। यहां से भी ये बात आप लिंक कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। इज इट ओके? ठीक है, पक्का ओके। 2023 में एनडीए 2 में क्वेश्चंस ऐसे बनाए गए जो कि अरेंजमेंट पे आधारित प्रोबेबिलिटी के सवाल बनाए गए। हमने इसको दोनों भाषा में इसलिए मेंशन कर दिया है कि आपको भाषा की कोई तकलीफ ना आए। आइए एक एक करके जरा सवालों को देखते हैं, है ना। पहले कुछ सवाल मैं एक्सप्लेन करता हूं, अगर कोई दिक्कत आए तो पूछिएगा, और अगर समझ में आ जाए तो फटाफट से अगले दो तीन सवाल फिर तुम करोगे, ठीक है भाई। तो देखो, थ्री बॉयज पी क्यू एंड आर एंड थ्री गर्ल्स एस टी यू एंड एस टी यू आर टू बी अरेंज्ड इन अ रो फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ। एक रो में छह लोगों को अरेंज करना है, एक दो तीन चार पांच छह, जो कंडीशन है बस उसको बहुत ध्यान से देखना होता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द थ्री बॉयज सिट टुगेदर। जब कभी भी इस तरह की चीजें आती हैं, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन टाइप है, ये तुम्हें परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सवालों में भी डायरेक्ट मिला है और मिलने की पूरी पूरी संभावना है। यहां पे इन्होंने क्या कर दिया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को प्रोबेबिलिटी से मिक्स कर दिया। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है, मेरी बात याद रखना, इसको बहुत प्यार से समझना, इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। अच्छी बात यह है कि ये आसान भी है, तो बस ध्यान से हर घर समझ लिए तो आराम से हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि जो तीन लड़के हैं वो तीनों लड़के एक साथ ही बैठेंगे, ठीक है भाई। कहां गए तीन लड़के, ये पी क्यू आर, जिनको एक साथ बिठाना है उनको एक डब्बे में बंद कर दो, पी क्यू आर एक डब्बे में बंद कर दो, इनको एक साथ बिठाना है, हमने इनको मान लिया ये एक ही यूनिट है, ठीक है। बाकी एस टी यू कहीं पे भी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, किधर भी हो सकते हैं। टोटल हमारे पास, हमें मालूम है जो प्रायिकता होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो होती है फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। छह चीजों को अरेंज करने के बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के कितने तरीके होते हैं, फैक्टोरियल सिक्स, एनपीएन। एनपीएन करोगे तो एन फैक्टोरियल आएगा, एनपीएन का फॉर्मूला क्या बताया था, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एन माइनस एन क्या होता है, जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल कितना होता है, वन होता है, तो एनपीएन क्या होता है, एन फैक्टोरियल। बात समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो यहां पे आपके पास छह चीजें हैं, छह चीजों को आप किस तरीके से अरेंज करोगे, फैक्टोरियल सिक्स, ये आपके पास टोटल केसेस हैं। ऊपर क्या आएंगे, फेवरेबल केसेस, कि इस कंडीशन में कितने प्रकार से अरेंज हो सकता है। तो कितनी चीजें हैं, एक दो तीन चार हैं, छह, लेकिन क्योंकि ये तीन चीज को हमने एक ही चीज के अंदर बना दिया, बिकॉज इनको साथ में बिठा दिया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चार चीजों को कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल फोर, एंड एंड
ये जो तीन चीजें हैं ये आपस में तो अरेंज हो सकती हैं, कितने तरीके से अरेंज होंगी? फैक्टोरियल थी, दिस विल बी आवर आंसर। कुछ फैक्टोरियल वगैरह थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लोगे तुम्हें याद रहेगा, ये 24 हो गया, ये 6 हो गया, 120 गुने 6, 5 फैक्टोरियल मुझे ध्यान रहता है, तुम भी ध्यान रख लो तो अच्छा रहेगा। 24 गुने 5, 1/5 आंसर। क्या ऐसा कोई विकल्प है? है। कितना आसान है देख लो, एक एक लाइन में आंसर सॉल्व होता है, एक एक लाइन में। बस सही तरीके से चीजों को आपको लेके चलना पड़ेगा, हो जाएंगी बातें। आई होप इट इज ओके। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन इसी सेट का। 5 क्वेश्चन आए थे, आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि इससे 5 सवाल आए थे, अरेंजमेंट प्रोबेबिलिटी के 5 सवाल आए थे। ये उसका दूसरा सवाल है, ऑल्टरनेट तरीके से बिठाना है बॉयज और गर्ल्स को। अगर मैं इसको लॉजिकली सोचूं तो डिनोमिनेटर यानी कि जो मेरा हर है वो तो फैक्टोरियल 6 ही होगा। फैक्टोरियल 6 क्या क्या दे सकता है? नीचे 6 दे सकता है, 10 दे सकता है, 5 दे सकता है, क्या 7 कभी देगा? इसको तो पहले ही काट देना चाहिए। मतलब अगर तुक्का भी लगाऊंगा बिना कुछ किए हुए तो मैं डी ऑप्शन नहीं लगाऊंगा। जहां मेरे सही होने के चांसेस 25% थे, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के हमने तुक्का लगाया तो हमारे सही होने के चांसेस अब 33% हो गए, 1/3। अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है, ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं भैया। लड़के और लड़कियां अलग अलग से ऑल्टरनेटली बैठेंगे, यानी यहां पे अगर बॉय है तो गर्ल बॉय, गर्ल बॉय गर्ल, राइट, या फिर उल्टा भी हो सकता है, गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, दो चीजें संभव है। हाँ ना में जवाब देना, समझे या नहीं? दो चीजें संभव है। अब हम अगर देखें तो बॉयज के लिए हमारे पास 3 स्थान है। 3 स्थान पे बॉयज को आप कितने तरीके से बिठा सकते हैं? फैक्टोरियल 3 तरीके से। एंड गर्ल्स के लिए भी आपके पास 3 स्थान है। 3 स्थान पे गर्ल्स को कितने तरीके से बिठा सकते हैं? फैक्टोरियल 3 तरीके से। ऐसा आपके पास 2 केस है, तो इसी चीज को या तो दो बार ऐड कर लो या फिर सीधा ही इसको 2 से गुना कर लो, ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। आओ देखते हैं, 2 हो गया, ये 6 हो गया, 6 हो गया, नीचे है हमारे पास 120 गुने 6, चलेगा क्या? चलेगा। ये हो गया 12 और ये भी 12, 1/10। क्या ऐसा कोई उत्तर है? बी ऑप्शन। हाँ ना में जवाब दो बेटा, पक्का? कोई डाउट? बातें समझ में आ रही हैं? अगला सवाल आओ, इस बार मैं कर देता हूं, फिर तुम्हें मौका दूंगा, इस बार मैं कर देता हूं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर? कोई भी 2 लड़की साथ में नहीं बैठेगी, इसकी क्या संभावना है? अगेन नीचे तो हमारे पास 6 ही आएगा, 6 फैक्टोरियल आएगा, इसमें सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, है ना। अब जरा सिचुएशन को समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी 2 लड़की साथ में नहीं बैठेगी, ऐसा करते हैं पहले बॉयज को बिठा देते हैं, बॉयज को बिठा देते हैं। जब हम बॉयज को, ध्यान से देखो भैया, प्लीज पे अटेंशन, जब हमने बॉयज को बिठा दिया तो अब जो है लड़कियों को बिठाने के लिए हमारे पास 4 जगह आ गई, जिसमें कि कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठ रही हैं, जो क्वेश्चन की डिमांड है। बात समझ में आ रही है तुम्हें? बस क्वेश्चन खत्म, बस तुम्हें फेजेस को समझना है। देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी क्यों अच्छा टॉपिक है, तुम्हें पता है ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, एनडीए में, सीडीएस में, बैंकिंग में, आईएएस में, इंटरनेशनल एग्जाम होते हैं जीमैट, सैट, इंडिया में और एग्जाम्स होते हैं कैट, आईपीमैट। दिस इज वन टॉपिक विच इज आस्क्ड इन ऑल द एग्जाम्स। ऐसा क्या है इस टॉपिक में? ये टॉपिक रट के करना संभव नहीं है, इस टॉपिक को सिर्फ समझ के ही किया जा सकता है। यहां चेक हो जाता है कि जो इसको ठीक से कर गया मतलब उसकी समझदारी है, और समझदारी डेवलप करने का तरीका है कि जो जो चीजें आपको जैसे जैसे बताई गई हैं उसको ध्यान से बार बार रिवाइज करना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। समझदारी डेवलप करने के लिए 2 चीजें मैं आपको हमेशा कहता हूं, एक होती है नॉलेज और एक विजडम। नॉलेज तो ठीक है, लिख लिए, टीचर ने पढ़ा दिया, नोट्स बना लिए, बार बार पढ़ लिए, हो गया नॉलेज, बट विजडम सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। इस तरह के सवालों में आपको विजडम चाहिए। आइए देखिए, करने का प्रयास करते हैं। एज यूजुअल डिनोमिनेटर क्या लिख लें? फैक्टोरियल 6 लिख दें। 3 बॉयज को हमने पहले बिठाया बिकॉज बॉयज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी,
तो तीन बॉयज को कितने प्रकार से बिठाएंगे, फैक्टोरियल 3, हां ना में जवाब देना। अब हमें चार में से किसी भी तीन स्थान पे अगर हम लड़कियों को अरेंज कर देंगे तो फिर हमारी रिस्ट्रिक्शन फॉलो हो जाएगी, जो कंडीशन दे रखी है वो फॉलो हो जाएगी। ठीक है, तो चार में से तीन स्थान पे अरेंज करना है बच्चों, क्या अप्लाई करोगे, 4P3, खाना में जवाब देना बेटा। ठीक है, फैक्टोरियल 3 6 है, 4P3 क्या होगा, फैक्टोरियल 4 बटे में 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना होता है 1, वो तो गया, यानी हमारे पास फैक्टोरियल 4 यानी कितना 24, नीचे क्या है 6 × 120, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, आंसर क्या बोलोगे, 1/5। अगर बात समझ में आ गई हो तो बहुत बढ़िया, और ना आ रही हो तो खुल के पूछ लो। ओके, बचे हुए दो क्वेश्चंस बहुत फटाफट से सॉल्व करता हूं, आप लोगों ने प्रयास कर लिया है, देखते हैं। राइट, दोनों सवाल मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्या प्रायिकता है कि P और Q दोनों छोरों पर बैठे हैं, यानी कि दोनों एंड्स पर बैठे हैं। ठीक है, दोनों जो हैं वो दो एंड पोजीशन से बैठे हैं। तो मैं सबसे पहले जो रिस्ट्रिक्शन होती है उसको देख लेता हूं कि P और Q तो एंड में ही बैठेंगे। P और Q हो सकता है Q यहां पे बैठे, हो सकता है P यहां पे बैठे, तो ये बात भी समझने की है कि ये दो एंड्स को भी हम लोग दो तरीके से ऑक्यूपाई कर सकते हैं, दो तरीके से यहां पे बैठ सकते हैं, समझ रहे हो ना। बचे हुए जो तुम्हारे पास चार स्थान हैं उनको कितने प्रकार से अरेंज करोगे, फैक्टोरियल 4, बिकॉज वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चार चीजों को चार प्रकार से आप अरेंज करेंगे, तो फैक्टोरियल 4 ये हो गया, एंड P और Q के लिए कितने तरीके हो गए, दो तरीके हो गए, बटे में तो हमेशा क्या होगा, टोटल अरेंजमेंट जो कि फैक्टोरियल 6 है। आप अगर इसको कैंसिल करें फैक्टोरियल 4 को फैक्टोरियल 6 से, तो यहां बचेगा आपके पास 5 × 6, ये आपका 3 से कैंसिल हो रहा है, 1/15 परफेक्ट आंसर आ रहा है। उम्मीद करता हूं कितने लोगों का सही, जल्दी बताओ, सही था, सही था, ओके। ये देखो कहां गलती हो रही है, देखो सही है अच्छी बात है, गलत है ये देखो कहां गलती हो रही है, ताकि वो गलती दोहराई ना जाए, है ना, उस कॉन्सेप्ट को सीख लो। ठीक है, अगला सवाल, 120, क्या प्रायिकता है कि Q और U दोनों एक साथ बैठेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी, अब जिसको एक साथ बिठाना है क्या करोगे, उसको एक डब्बे में बंद कर दो, डब्बे में बंद कर दो, बाकी तुम्हारे पास चार लोग और हैं, राइट, टोटल कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए, 5 लोगों को कितने तरीके से बिठा सकते हो, फैक्टोरियल 5, समझ में आ रही कि नहीं। ये जो दो लोग हैं ये आपस में कितने तरीके से बैठ सकते हैं, फैक्टोरियल 2, बटे में तो क्या रहेगा आप जानते हैं, 5 फैक्टोरियल इसको कैंसिल करेगा, बचेगा 6, 2/6 कितना होता है, 1/3। तो बड़े ही आसानी से इसका ये कितने लोगों का सही था, क्योंकि 5 सवाल थे, मुझे लगता है ये 5 सवाल ऐसी चुटकियों में उड़ जाने वाले थे, अगर आपको थोड़ी बहुत अरेंजमेंट परमुटेशन का कॉन्सेप्ट आता है तो। ठीक, यहां से अब मैं आपके डाउट ले रहा हूं बहुत तेजी के साथ, उसके बाद मेरे पास और ढेर सारे सवाल हैं, मैंने पूरा 2023 NDA1 NDA2 अपडेट कर दिया है PDF में। ठीक है, देखते हैं कितने ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हो बेटा, आगे बढ़ाएं। देखिए, यहां से आपके डाउट्स की बारी शुरू होती है। हां जी, प्लीज पे अटेंशन, ध्यान से देखिए, 3 फेयर डाइस आर टॉस्ड वंस। ठीक है, What is the probability that they show different numbers that are in AP? Arithmetic progression में यानी समांतर श्रृंखला में होंगे, ये हमें देखना है। समांतर श्रृंखला में संख्याओं को कब बोलते हैं, जब उनके बीच की अंतर को हमेशा समान रखा जाता है। ठीक है, 3 हमारे पास डाइस है, 1 से लेकर 6 तक ही आउटकम हो सकता है। कॉमन डिफरेंस क्या क्या पॉसिबल है, 1 हो सकता है, 1, 2, 3, 2, 3, 4 आया ना, कॉमन डिफरेंस 1 हो सकता है, हाँ हो सकता है। कॉमन डिफरेंस 2 हो सकता है, 1, 3, 5 हाँ हो सकता है, 3 हो सकता है, 1, 4, 7 नहीं, यानी कॉमन डिफरेंस सिर्फ 1 और 2 ही हो सकता है, हाँ या ना, कॉमन डिफरेंस सिर्फ 1 और 2 हो सकता है, जरा ध्यान से देखना। अगर कॉमन डिफरेंस 1 है तो पहला 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6 हाँ जी, हाँ या ना, राइट। ऐसे ही जब कॉमन डिफरेंस 2 है तो 1, 3, 5, 2, 4, 6 और तो हमें नहीं लगता है संभव,
दो केस नहीं है, टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास केसेस बन रहे हैं 6 × 12। कितने केसेस बन रहे हैं? 6 × 12 केसेस बन रहे हैं। पहले बात सुन लो फिर आप जरूर बोलना, पहले मेरी पूरी बात सुन लो फिर आप अपनी बात जरूर बताना, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने केस बन रहे हैं? मैंने कहा 6 × 12। ये दुना क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दो तरह की एपी होती है, एक इंक्रीजिंग एपी एक डिक्रीजिंग एपी। अगर 1, 2, 3 एपी में है तो 3, 2, 1 भी एपी में है, उसका कॉमन डिफरेंस -1 है, वो एक अलग एपी है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो फेवरेबल केस कितने बने? 12। और टोटल केसेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे पास जितने भी डाइस हैं सबके आउटकम को क्या करेंगे? गुना करेंगे। 3 डाइस हैं, 3 डाइस में कितने आउटकम आएंगे? 6 × 6 × 6। आया ना? 216 बिल्कुल सही। अगर 2 डाइस हैं कितने आउटकम होंगे? 6 × 6 36 होंगे। कोई डाउट है तो बोलो। 1 डाइस है कितना आउटकम होगा? 6 होगा। 1 क्वाइन है कितना आउटकम होगा? 2। 2 क्वाइन होंगे 2 × 4। 3 क्वाइन होंगे 2 × 2 × 2 = 8। 4 क्वाइन होंगे 2^4। कोई डाउट नहीं होना चाहिए सैंपल स्पेस में, ठीक। यहीं पे आप कुछ गलत बोलने का प्रयास कर रहे थे। ओके, हम आपकी भावनाओं को समझ गए थे तभी। देखो खाली आंसर मिला के बात नहीं बनती है, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। यहां बाय मिस्टेक आंसर सेम हो जाए तो उससे बात नहीं बन जाएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदलेगा, लेकिन सवाल बदल जाएगा। आंसर क्या होगा इसका? 1/18। आपके पास आंसर की होगी, देख लीजिएगा। इज इट ओके एवरीवन? अगले सवाल पे आ जाएं बहुत तेजी के साथ। अगला सवाल जो आपने दिया है, ये भी एक बड़ा ही फेमस रिजल्ट है, ये बहुत ही फेमस रिजल्ट है, बहुत ही फेमस रिजल्ट एएम और जीएम से निकल के आता है। कहां से निकल के आता है? एएम और जीएम से, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से। देख लो इस रिजल्ट को, याद रखना, क्योंकि जिसको भी ये रिजल्ट याद है उसको आंसर ऐसे ही दिख जाना चाहिए कि आंसर सी होगा। जिसको भी ये रिजल्ट जो मैं अभी तुम्हें बताने जा रहा हूं एएम जीएम में मैंने करा रखा है, ठीक है, जिसको भी ये रिजल्ट याद है वो आंसर ओरली बता देगा सी ऑप्शन। 2022 का है, बताओ, NDA 2, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना नहीं है, राइट। आओ चलो देखो, लेट्स डू दिस। क्या होता है? अरिथमेटिक मीन दो संख्याओं के बीच का हमेशा ज्योमेट्रिक मीन के या तो बड़ा होता है या बराबर होता है, हमेशा, ऑलवेज। समझ गए? अगर दो संख्याएं तुम्हारे पास ए और बी हैं, क्या हैं? ए और बी, तो इनका अरिथमेटिक मीन, इनको समांतर माध्य कहते हैं हिंदी में, और इसको गुणोत्तर माध्य कहते हैं जीएम को, ठीक है। तो जब कभी भी एएम की हम बात करते हैं तो ये क्या होता है? ए प्लस बी बाई टू, बोलो। और जीएम कितना होता है? अंडर रूट ए बी। ये क्यों होता है ये बात हम आपको यहीं पे प्रूव करा देते हैं ताकि आप ध्यान रखिएगा। हालांकि प्रूफ व्रूफ की जरूरत है नहीं, लेकिन प्रूफ बताना और सीखना इसलिए जरूरी है कि फिर उसको वो रिजल्ट ध्यान रह जाता है। सिर्फ रिजल्ट की तरह देखते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन अगर समझ के देखते हैं तो शायद ध्यान रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। यहां पे इसको अगर तुम स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ग्रेटर देन इक्वल टू 4ab। इसका भी स्क्वायर होके इधर गुणा कर दिया मैंने, चलेगा। अब आप इस बात को बड़े आसानी से देखेंगे कि ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तुम ही बताओ क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है? किसी भी रियल नंबर के लिए इसका स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। अगर a बराबर b होगा तो ये बराबर होगा, अदरवाइज हमेशा ही बड़ा होगा, ठीक है। ये जो दो नंबर दिए हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, ट्रिग्नोमेट्री में भी कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। मेरी नजर से देखो, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, ये सब है एक्स प्लस 1/x। बात समझ रहे हो कि नहीं? दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बात समझे या नहीं? समझ में आ रही है बात, ठीक है। ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, हमेशा 2 से बड़ा होगा। कब 2 के बराबर होगा? जब ये दोनों बराबर होंगे। तो इन्होंने कहा कि कब ये वाली बात हमेशा ट्रू होगी? तो भाई ये सिर्फ एक ही केस में फेल हो जाएगी, जब x बराबर 1 होगा। 1 + 1 इज इक्वल टू 2, इट इज नॉट ग्रेटर देन 2। तो n केसेस हैं, n नंबर्स हैं, x इज
chosen randomly from the first and natural numbers. एक संख्या आपने चुनी है तो आपका डिनोमिनेटर कितना है? आपका डिनोमिनेटर n है, n में से एक संख्या आपने चुनी है. उनमें से सिर्फ एक ही केस ऐसा है जिसमें ये अपने आप को वायलेट कर रहा है, बाकी हर केस में ये ट्रू है. व्हाट इज द आंसर? तो ये प्रायिकता का कम सवाल है, AMGM के कॉन्सेप्ट का बढ़िया सवाल है. इस रिजल्ट को ध्यान रखिएगा, कभी भी x प्लस 1 बाई एक्स आ जाए तो ये हमेशा क्या होगा? दो से बड़ा ही होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है. इक्वल टू कब होगा? जब दोनों चीजें बराबर हैं. जैसे tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 ओनली फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, जहां वो दोनों बराबर हैं. बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, ध्यानपूर्वक लिखना है तो लिख लो. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा है ये है 2022 एनडीए 1 से. आइए देखते हैं. द इंसिडेंस ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज अमंग वर्कर्स इन एन इंडस्ट्री हैज अ चांस ऑफ 33 and 1/3%. अगर आप इसका अनुपात देखेंगे तो ये 1/3 आएगा. कितना आएगा? 1/3. यानी डिजीज होने की जो चांसेस हैं, डिजीज होने की जो प्रायिकता है, ये 1/3 इन्होंने बता रखी है. What is the probability that exactly 3 out of 6 workers suffer from a disease? क्या है ये सवाल? Binomial distribution है. अगर disease होने की प्रायिकता 1/3 है तो ना होने की प्रायिकता 2/3 है, और n का मान इन्होंने 6 दिया है, r का मान 3 दिया है. क्वेश्चन खत्म है भाई, कल ही पढ़े हो. आंसर तुम्हें बताना है x बराबर 3 के लिए. याद आ रहा है कुछ? r बराबर 3 के लिए. सो 6c3 1/3 की पावर 3 एंड 2/3 की पावर 3. 6 - 3 भी 3 ही आएगा. फैक्टोरियल 6 ये हो जाएगा तुम्हारे पास. फैक्टोरियल 6 सीधा ही कर लो, इसका शॉर्टकट भी मैंने सिखाई दिया है तुम्हें, तो सीधा शॉर्टकट से करो. 6 5 4 बटे में फैक्टोरियल 3, यहां पे आ गया तुम्हारे पास ऊपर 4 ना 8, ऊपर कितना आ गया? 2 का क्यूब यानी 8, और यहां 3 की पावर 6. 3 की पावर 6 मतलब 9 का क्यूब. 9 का क्यूब कितना होता है? 729. कैलकुलेट करें इसको तो ये जा रहा है ऊपर 20 आ रहा है, 20 × 8, और नीचे पूरा 720 × 8 160 हो जाएगा. तो आप अगर आंसर देखें, मेरे ओपिनियन में डी होना चाहिए. समझे या नहीं? क्या कठिन लग रहा है? क्या ये कॉन्सेप्ट नहीं करा है? क्या ये कॉन्सेप्ट नहीं करा है? आप बताइए. कल ही किया है और बहुत विस्तार से किया है, बहुत डिटेल से. पूरी एक क्लास हमने इसको डेडिकेशन से दे दी, ये देखते हुए कि नहीं इससे 1 से 3 सवाल बनते ही बनते हैं, हर बार बन रहे हैं. मिनिमम 1, मैक्सिमम 3. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 14-15 आप लोग कह रहे हैं हो जाएगा. ठीक है, प्रयास कीजिएगा, दिक्कत आए पूछ लीजिएगा. अगला सवाल हमारे पास आ गया फिर से एनडीए 2 2023 का, राइट. ये सब आपके असाइनमेंट में नहीं है, ये सब यूपीएससी से निकाला जा रहा है. आइए देखा जाए क्या है प्रश्न, कैसे करना सही रहेगा. लेट्स सॉल्व दिस. ये मैं कर देता हूं, अगला प्रश्न तुम्हें दे देंगे. 3 dice are thrown. What is the probability of getting a sum which is a perfect square? क्या संभावना है? 3 डाइस फेंकी गई हैं, तो पीछे डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 216. भैया हर क्या हो जाएगा? 216. 6 × 6 × 6. सैंपल स्पेस भी आप कह सकते हो. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस वुड बी 216. अब फेवरेबल केसेस क्या क्या हैं? आपका जो तीनों का योग है वो कितना आना चाहिए? एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए. तो हम ये देखते हैं कि जब हम 3 डाइस के, जरा ध्यान से देखो, 3 डाइस को अगर हम देखें तो ये 3 से लेके 18 के बीच में रहेगा. हाँ ना में जवाब देते जाओ, राइट. इस बीच में जितने परफेक्ट स्क्वायर आते हैं बस वो देख लेते हैं. पहला परफेक्ट स्क्वायर आया हमारे पास 4, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर आया 9, तीसरा आया 16, खत्म. और क्या अगला 25 है? वो तो होगा ही नहीं, संभव ही नहीं. हाँ या ना?
अब देखो चार बनेगा कैसे, चार बनेगा ऐसे। और कोई तरीका चार बनाने का हो तो बता दो, तुम्हें बताना चाहिए। एक दो एक भी एक तरीका है, दो एक एक भी एक तरीका है, यहां तीन तरीके हैं, यहां तीन तरीके हैं, समझे या नहीं। इसको और अच्छे से अगर तुम समझना चाहते हो तो तुम्हें कुछ परमुटेशन का प्रयोग करके ऐसे देखना चाहिए कि तीन चीजें हैं, तीन में से दो चीजें आइडेंटिकल हैं, कितने तरीके से ये अरेंज हो सकती हैं, तीन तरीके से। कॉन्सेप्चुअली ये सही सोच है। अच्छा भैया नौ भी जरा सोचें इसी प्रकार से, नौ कैसे कैसे बनेगा। मैं हमेशा एक दिशा में मूव करना चाहता हूं, इसमें अक्सर इतने सारे केस होते हैं कि हम लोग उसको मिस आउट कर देते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपके पास नाइन है, देखिए यहां पे अलग से लिख देता हूं, वहां थोड़ा कंजेस्टेड होने की संभावना है, तो मैं पहले एक के साथ सिस्टम बनाऊंगा। क्या एक एक साथ संभव है, क्या एक एक साथ संभव है? नहीं, सात तो होगा ही नहीं भैया, छह तक ही होता है डाइस में, राइट। तो क्या हो सकता है, सबसे पहला एक दो छह, एक के साथ और कोई संभवता नहीं बनती है, दो के साथ देखते हैं, राइट। अच्छा यह भी समझने की बात है कि इसके कितने केस बनेंगे, इसके छह केस बनेंगे, तीन डिफरेंट चीजें हैं, कितने तरीके से अरेंज होंगे, ये छह तरीके से अरेंज होंगे, फैक्टोरियल थ्री, वन टू थ्री, वन टू सिक्स, वन सिक्स टू, टू वन सिक्स, टू सिक्स टू वन, सिक्स वन टू, टोटल छह तरीके बनेंगे इसमें, समझ पा रहे हो कि नहीं, राइट। परमुटेशन का बढ़िया प्रयोग है, ये सब परमुटेशन है, बिना परमुटेशन के ये सब क्वेश्चन आप छू नहीं पाएंगे। और केस बनाने लग गए ऐसे तब तो हो गया, तीन केस वहां छह केस यहां बनाते रह जाओगे। ओके, नौ और किस तरीके से बनेगा, क्या रिपीटेशन जरा देखते हैं, दो दो पांच संभव है, हाँ संभव है, राइट। अच्छा भैया और देखा जाए तो यहां हमें सात बचाना है, सात और कैसे बनेगा, सात और कैसे बनेगा, बस एक से नहीं बनाना है बिकॉज एक वाला हमने सब कंसीडर कर लिया है। सात और कैसे बनेगा, तीन और चार से बनेगा, क्या तीन और चार से बनेगा, और कैसे सात बनेगा, पांच और दो से, वो भी बन चुका है, और कैसे सात बनेगा, छह और एक से, वो भी बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं, समझे या नहीं समझे, राइट। तो हमारे पास यहां कितने बन गए, फैक्टोरियल थ्री बाय फैक्टोरियल टू, तीन केस, यहां फैक्टोरियल थ्री, छह केस, नौ आपके पास कितने तरीके से बनेंगे, पंद्रह तरीके से बनेंगे बेटा, नौ कितने तरीके से बनेंगे, पंद्रह तरीके से बनेंगे, राइट। अब क्या बनाना रह गया, सिर्फ सोलह, सोलह, क्या एक के साथ कभी सोलह बनेगा, कभी नहीं बनेगा, छह तक तो जाओगे। चलो इसको उल्टे तरीके से करते हैं, हायर साइड से शुरू करते हैं, छे छे चार, या तो लोएस्ट से स्टार्ट करो या हाईएस्ट से स्टार्ट करो, रैंडमली कभी मत मूव करना, रैंडमली मूव करोगे तो या तो कोई केस रह जाएगा या किसी केस को रिकाउंट कर लोगे। ऑलवेज ट्राई टू मूव इन अ डायरेक्शन, यानी या तो बढ़ते हुए क्रम में मूव कीजिए या घटते हुए क्रम में मूव कीजिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग में मूव कीजिए, अन्यथा आप मिस आउट कर देंगे। बढ़िया सवाल, इट इज डेफिनेटली अ गुड क्वेश्चन। ओके जी, आइए अब इसमें कितने केस बनेंगे, तीन, सोच पा रहे हो कि नहीं, फैक्टोरियल थ्री बाय फैक्टोरियल टू दिख रहा है, राइट। अच्छा और दस किस प्रकार से बन सकता है, पांच और पांच से बन सकता है दस, और किसी प्रकार से दस बन सकता है, छह चार से बन गया, पांच पांच से बन गया, और कैसे भी दस बनेगा, नहीं बनेगा। तो हमारे पास यहां पे जो आए फैक्टोरियल थ्री बाय फैक्टोरियल टू, तो यहां भी तीन केस बनेगा, सोलह और कैसे बन सकता है, क्या कैसे भी, मुझे नहीं लगता है, यही तरीके हैं। टोटल कितने तरीके हो गए भैया, बारह और नौ, बारह नौ कितने होते हैं, इक्कीस, टोटल हमारे पास इक्कीस तरीके आ गए फेवरेबल। अच्छा इक्कीस तो ये हैं, उधर भी कुछ थे, इधर कितने थे, तीन, तो इक्कीस और तीन चौबीस, डिवाइडेड बाई कितना, छ इंटू छ इंटू छ, यानी कि 216। आओ इसको छे 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 ही रहने दो, काटने में थोड़ा आसानी होगी, सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स, ऊपर आ गया चौबीस, नीचे आ गया छह गुने छह गुने छह, देखो थोड़ा कैंसिल करना आसान हो जाता है ना, इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा। कितने से गया भैया, चार से गया। अच्छा ये चार भी कैंसिल होगा क्या, लेकिन कुछ मिस आउट हो रहा है ना, सारे ऑप्शन जो हैं इन्होंने 108 के फॉर्म में दिए हैं, छत्तीस गुने तीन 108 होता है, यानी अगर हम ऑप्शन से मैच करने का प्रयास करें, 36 गुने तीन 108 होता है, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 12 और नीचे आएगा 108,
अब यह संभव है कि हमने कोई केस मिस कर दिया हो, हमने कोई केस मिस कर दिया, हमने बहुत माइन्यूटली देखा है, तो यह तो कभी भी आंसर नहीं होगा, बिकॉज इससे ज्यादा ही आंसर होना चाहिए, आया ना, राइट। अब कौन सा मार्क करोगे, बाकी सब इससे बड़े हैं। मैं तो नियरेस्ट मार्क कर दूंगा, हालांकि इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है ये सॉल्यूशन, लेकिन मैं नियरेस्ट ए ऑप्शन मार्क करूंगा। आप पहले इसको लिख लीजिए, फिर इसको एक बार दोबारा से एड्रेस करते हैं इस सवाल को। हाँ क्यों नहीं स्किप कर सकते हैं। देखिए भैया, इस तरह के क्वेश्चंस में मैं कोई इसका बहुत शॉर्टकट तो नहीं बता पाऊंगा, यू हैव टू काउंट द केसेस, राइट। फॉर्चुनेटली अभी हमने रियलाइज किया कि हमने जो गेस किया था वो सही निकला। कौन कौन सी चीजें मिस हो रही थी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से आप देख लीजिएगा। हमने इसमें 135 वाला केस मिस कर दिया था, 6 केस इसके बनेंगे। 333 9 बनाने का एक ये तरीका भी है, एक केस इसका बनेगा। 144 3 केस इसके भी बनेंगे, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, राइट। टोटल अगर आप केसेस देखें जो आपके पास हो जा रहे हैं तो 6, आओ जरा काउंट करा जाए, 6 6 6 18 ये हो गया भाई, हाँ ना, मैं बोलते जाओ ना, 18 केसेस ये हो गए। तीन वाले देखो, 1 2 3 4 5 15 केसेस ये हो गए, और एक केस तुम्हारे पास 3 3 3 का है, और नीचे तुम्हारे पास क्या है, 6 × 6 × 6। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये आपके पास हो रहा है 16 + 18 जो कि है 34, 34 × 6 × 6 × 6 पूरा पूरा आंसर आपका 17/118 है, एग्जैक्टली, विच इज योर करेक्ट आंसर। इज इट ओके, बात समझ में आई, श्योर। अगला सवाल देखें, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यह भी एक बेहतरीन सवाल है, और ऐसा एक इक्वली गुड सवाल हमने कल की क्लास में भी किया था, 2023 एनडीए 2 में पूछा गया, जो लेटेस्ट पेपर अभी हुआ है उसमें यह पूछा गया। इसमें मैंने क्या तरीका बताया था, किसी को याद है ये सवाल? ऑनलाइन किसी बच्चे ने कहा था, सर एक बार फिर से बता दीजिए, मुझे याद आ रहा है इसी तरह का मिलता जुलता सवाल था, और किसी बालक ने कहा था कि सर एक बार फिर से बता दीजिए। आइए बहुत तेजी से मैं कर दूं, हमने आपको अब देखिए ये क्या बोला इन्होंने, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, याद आ रहा है कुछ, सेम शब्द है, सेम चीज रिपीट हुई है, क्वेश्चन नंबर 66 था शायद या 68 था, मुझे ये भी याद आ रहा है, ऐसा कुछ था, यानी लगभग 16-17 के बीच में पूछा गया था और फिर यहां 23 में रिपीट मारा, सेम कॉन्सेप्ट, बस संख्या बदल जाएगी। तो कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, राइट। कैसे करोगे इसको, सबसे पहले रेशियो निकाल लो। देखो भैया मैं फटाफट कर रहा हूं, साथ में अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमसे हो सकता है तो तुम बिना सॉल्यूशन देखे करो, बिकॉज ये टाइप एक्सप्लेन्ड है। पी ए बाई पी बी मेरे पास 3/2 आ रहा है, मैं सबसे पहले इसमें सजेस्ट किया था मैंने कि इनका रेशियो निकाल लीजिए। पी बी बाई पी सी अगर मैं देखूं तो 4/3 आ रहा है, और पी सी बाई पी डी उसमें 3 थे इसमें 4 घुसा दिया, पी सी बाई पी डी 5/4 आ रहा है। तो भाई ये तो रेशियो का कॉन्सेप्ट है, रेशियो से हमें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि यहां पे पी ए पी बी पी सी पी डी का रेशियो क्या होगा। पी ए पी बी ये डेफिनेटली करने वाला सवाल है, बेसिक 6ठी-7ठी क्लास के बच्चे करते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात। देख लीजिए कैसे करोगे, ध्यान से देख लो भाई, जिसको भी तकलीफ है देख लो। सी नीचे से कॉमन कर रहा हूं मैं, 3 है 5 है, मैंने ऊपर नीचे 5 से गुना किया ना, इसमें किससे गुना करेंगे, 3 से। अब जब सी 15 है यहां भी सी 15 है, ठीक। अब ऊपर B पे चलो, B यहां पे कितना है, 2 है, यहां पे कितना है, 20 है, इसको 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से गुना। अब देख लो जो कॉमन है वो सेम होना चाहिए, B 20 है, B 20 है, C 15 है, C 15 है, सब कुछ तुम अब सीधा ही लिख सकते हो। जब A तुम्हारा 30 है उस समय B 20 है, और C उस समय 15 है, और D उस समय 12 है। सबसे पहला काम ये करना है तुम्हें, ये चीज मैंने कल भी सवाल में बताई थी, और अब क्योंकि ये जो है तुम्हारा क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी और एग्जॉस्टिव भी है, मतलब इसका योग कितना होगा, 1 होगा, इसका सम कितना होगा, 1 होगा,
आपसे पूछा गया गया फिलहाल। इन्होंने बोला 77 गुना पीए कितना होगा, 77 गुना पीए कितना होगा। तो भैया पीए आओ पहले देख लो कि यहां पे आ गया तुम्हारे पास 30, 20 कितना हो गया 50, 50 और 27 77। 77x का मान अगर 1 है तो x का मान कितना है बच्चों 1/77। आपसे बोला गया 77 गुना पीए, 77 गुना पीए, पीए 77, पीए कितना है मेरे पास 30/77 है, इट इज 77 विच इज गॉन एंड द आंसर मस्ट लुक लाइक 30 एग्जैक्ट आंसर। सो डेफिनेटली अ डूएबल क्वेश्चन, रेशियो के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लगभग 5-6 साल के बाद रिपीट हुआ था, बट ध्यान रखना कई बार अगले साल भी रिपीट हुआ है, यानी तुम्हारे परीक्षा में भी इसके आने की संभावना बनती है। इज इट ओके? श्योर? ट्राई कीजिए, मौका देते हैं आपको। देखो भैया यूनिट प्लेस पे एक होना चाहिए, इकाई संख्या पे एक होना चाहिए, एक से लेकर, और देखिए दोनों डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं, है ना, दोनों अलग अलग संख्याएं, भिन्न संख्याएं हैं, अलग अलग है, तो 1 × 1 नहीं बना पाएंगे आप, 9 × 9 = 81 नहीं बना पाएंगे आप, है ना, सेम नंबर नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर मैं 1 से लेकर 9 तक सोचता हूं तो 1 तो मुझे बड़े आसानी से दिखाई देता है 3 × 7 जिसमें कि हमारे पास 21 आएगा, 7 × 3 भी आप कह सकते हैं, बट वो सेम ही है, 7 × 3 × 7 में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो 1 ये होगा, और कोई तरीका जहां पे 1 बन रहा है, और तो कहीं नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी देखो अगर 1 बन रहा है तो सिर्फ वो ऑड नंबर का ही मल्टीपल हो सकता है, ठीक है, और कहीं से बनेगा ही नहीं। 9 के साथ 3 नहीं, 7 भी नहीं, 63 देगा, है ना, 9 × 7 = 63, और 5 × 45 देगा, 1 × 9 आएगा, और कोई तरीका मुझे समझ में नहीं आता है। टोटल आपके पास कितने तरीके हैं भैया? डिनोमिनेटर क्या है 9 × 8, हाँ या ना? नीचे क्या है आपके पास 9 × 8, डिफरेंट नंबर है, फर्स्ट नंबर कैन बी सिलेक्टेड इन 9C1 9 तरीके से, दूसरे नंबर को 8C1 8 तरीके से, और ऊपर तुम्हारे पास सिर्फ एक तरीका है कि 7 और 3 ही आएगा, राइट। तो आपके पास 1/72 इसका सटीक उत्तर है, 1/72 इज द आंसर। डिस्टिंक्ट नंबर्स है ना, तो 81 कैसे हो सकता है, 9 × 9 थोड़ी ना रखेंगे आप, डिस्टिंक्ट है, साफ साफ दे रखा है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग संख्याएं, क्लियर है एवरीवन? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सोचना था, राइट, ऐसा कोई बहुत कठिन सवाल नहीं था। अगला सवाल है आपके पास, 2 dice आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑन देम इज 2 or 3। प्रयास करो, देखो भैया क्या है इसमें पॉसिबिलिटीज, ये देखना पड़ेगा, 2 पासे फेंके जाते हैं, इस बात की क्या प्रायिकता है कि उन पर आने वाली संख्याओं का अंतर 2 या 3 हो। पहले 2 देख लेते हैं, ठीक है, देखो जरा ध्यान से, 1, 3 में अंतर है, 2, 4 में अंतर है, 3, 5 में है, 4, 6 में है, और इसका ठीक उल्टा भी कर देंगे तब भी रहेगा, यानी यहां 4 × 8 केस बन रहे हैं, बात समझ रहे हो ना, 4 × 8 केस बन रहे हैं, ठीक है। अब अगर 3 वाले देखते हैं तो मेरे पास 1 और 4 दिखता है, 2 और 5 दिखता है, 3 और 6 दिखता है, और मुझे कोई नहीं दिखता है, टोटल हो गए हमारे पास 8 केस यहां पे और 6 केस यहां पे, फेवरेबल केस आ गए हमारे पास 14, कोई डाउट हो तो बोलना। नीचे 6 × 6 = 36 ही होना चाहिए, और कोई तरीका नहीं है मेरे भाई, तो ये 7/21 अगर कोई ऑप्शन है, 7/18 अगर कोई ऑप्शन है तो वो हमारा सटीक आंसर है, चलेगा क्या एवरीवन? सबका आ गया। 2023 एक बार फिर से NDA 2 का एक प्रश्न है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन
recovers from a disease is 0.8, what is the probability that exactly 2 persons out of 5, क्या ये binomial है, binomial की नहीं? हर साल याद रखना मेरी बात, एक से तीन सवाल binomial से बनता है हर साल, फिक्स पैटर्न है बिल्कुल। मुझे लगता है बड़े आसानी से हो जाना चाहिए था। रिकवरी पी 0.8 है तो क्यू कितना है मेरे बच्चों, 0.2। एन का मान 5 दिखाई दे रहा है आपको और आर का मान आपको 2 दिखाई देता है, क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? तो आंसर बताओ, बताओ आंसर। 5C2 0.8 कितने लोग रिकवर कराने हैं, 2 लोग रिकवर कराने हैं और बाकी के 3 लोगों को मार देना है, सवाल के अनुसार, हम नहीं कह रहे हैं, सवाल कह रहा है। ओके जी ठीक है, मार दीजिए। 5C2 देखा हमने, 5×4/2 आ गया। अच्छा अब 0.8 की पावर देखो, मैं तो इसको 2 में कन्वर्ट कर लेता हूं, मैं इस तरह की चीजों को 2 में कन्वर्ट कर लेता हूं। देख लो जरा, मैं इसको लिखूंगा, देख लेना भैया, डेसिमल को मैंने गोली मार दिया, डेसिमल को क्या कर दिया मैंने, गोली मार दिया। कैसे गोली मार दिया देखो, यहां पे आ गया 3 डेसिमल प्लेस, यहां पे आ गया 2 डेसिमल प्लेस, 5 डेसिमल प्लेस आ गए और मैं 5 डेसिमल प्लेस की जगह पर नीचे लगा दिया 5 0। लास्ट में इसको देख लेंगे, लास्ट में इसको देख लेंगे, हम इसको लेके आ गए 2 में, ये है 2 क्यूब, 2³ की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 6। तकलीफ हो रही हो तो बताना। और ये है 2 की पावर 3। मैं हमेशा कहता हूं 2 की पावर्स ध्यान रखो, कई जगह रोज मिलती है तुम्हें, हर रोज मिलती है, कैलकुलेशन में रेगुलरली मिलने वाली चीज है। अब देखिए ये आपका 2 से गया, 1 0 कम हो गया, 1 0 कम हो गया, बचा क्या 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 क्या होता है, 512। 512 में कितने जीरो चाहिए, 1 2 3 4, यानी 4 डेसिमल प्लेस पे 512। क्या 2 की पावर काम याद आई, रेगुलरली काम में आएगी, याद रखो 2 की पावर 10 तक याद होना चाहिए। 2 की पावर 10 कितना, मुंह देख रहा है, 1024, समझे नहीं समझे? तो आइए आज का आखिरी सवाल देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, कैसे करना चाहिए, इस बात को समझते हैं। अगर लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि बेस थ्योरम का कहीं ना कहीं प्रयोग यहां पे होना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि डिजाइन अगर बढ़िया है और डिजाइन अगर खराब है, ठीक है, तो वो मकान ढह जाएगा, मकान ढह जाएगा, डिजाइन बढ़िया है तो, और ढह जाएगा अगर डिजाइन खराब है तो। इन सब के बारे में इन्होंने ठीक ठाक जानकारी दे रखी है। आइए लिखा जाए, सपोज दैट देयर इज अ चांस फॉर अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग टू कोलैप्स वेदर द डिजाइन इज फॉल्टी और नॉट। द चांस दैट द डिजाइन इज फॉल्टी, फॉल्टी होने की संभावना 10% है, तो ना फॉल्टी होने की संभावना 90% हो जाएगी। अगर आप डेसिमल में देखें तो इसको आप 0.1 और ऊपर वाले को 0.9 कह सकते हैं। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहा इन्होंने, द चांस दैट द बिल्डिंग विल कोलैप्स इफ द डिजाइन इज फॉल्टी, अगर फॉल्टी डिजाइन है तो 95% यानी कि 0.95 संभावना है कि ये ढह जाएगा, और अगर डिजाइन सही भी है तब भी 45% चांसेस हैं कि ये ढह जाएगा, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। इफ इट इज सीन दैट द बिल्डिंग हैज कोलैप्स्ड, यानी ए हो चुका है, राइट, ए हो चुका है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज बिकॉज ऑफ फॉल्टी डिजाइन, इवेंट नंबर 2 होने की क्या संभावना है। आपसे पूछा गया इवेंट नंबर 2 बाय ए, इवेंट नंबर 2 का नाम हम लोगों ने इस सवाल में डी कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, हाँ ना, हमें जवाब देना, ए ऑलरेडी हो चुका है, क्या है आंसर मेरे भाई, डी कॉम्प्लीमेंट 10% यानी कि 0.1 इंटू कोलैप्स हो गया 0.95 बटे में टोटल, भैया टोटल में
0.9 भी आएगा, गुने में 0.45 भी आएगा, प्लस 0.1 भी आएगा और गुने में 0.95 भी आएगा। सबसे पहले हम प्रयास करते हैं डेसिमल्स को हटाने का, आपको पता लग ही चुका होगा हम किस तरीके से सोच के करने का प्रयास करते हैं। तो अगर मैं देखूं तो 3 डेसिमल यहां है और सभी जगह पे 3 डेसिमल है, तो उससे मुक्त हो जाओ, फ्री हो जाओ, डेसिमल को उड़ा दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 95, 1 × 95, नीचे 45 × 9। भैया 45 × 9 कितना होता है? 450 में से 45 घटा दो तो हो जाएगा 405। और यहां बच रहा है पूरा पूरा 95, यानी अगर आप देखें तो यह है 95/500। 95/100 अगर करते तो होता 0.95 है। 0.95 को अगर तुम 5 से भाग दोगे तो पूरा पूरा होगा 19। 19 × 5 = 95 होता है भाई। क्या बातें समझ में आती हैं? आज की क्लास खत्म होने से पहले कुछ सीरियस एडवाइसेस दे रहा हूं, इसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करना, ठीक है? तुम्हारे पास दिन भी है, अगली क्लास कब रखें? सैटरडे को रखें? लग रहा है कल कुछ काम कर पाओगे? अगर कर पाओगे, बिकॉज देखो वन साइडेड गेम तो है नहीं, इट इज अ 2-sided गेम। हमने लगातार शॉट पे शॉट मार दिया है, अब तुम वहीं पे बिखरे पड़े हो, अपने आप को समेट ही नहीं पा रहे हो, तो वो भी ठीक नहीं है। तो एज यूजुअल हमारा सिलेबस बिल्कुल समय से पहले ही खत्म हो जाता है, हर बैच का, चाहे बैच कोई सा भी, बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी दैट आई वॉन्ट टू फॉलो एंड दैट आई ऑलवेज फॉलो, थैंक्स टू गॉड, ठीक है? तो अगर आपको लग रहा है कि आप आज और कल में कुछ एफर्ट मार पाएंगे असाइनमेंट और पीडीएफ में, किसी एक चीज में भी आप ईमानदारी से एफर्ट मारने का मतलब कम से कम 30 सवाल पर डे, यानी अगर आप 60 सवाल कम से कम लगा पाएंगे सैटरडे क्लास में आने से पहले, तब तो हम शनिवार को क्लास रखते, लगा पाओगे? हैं? 60 सवाल लगा लोगे कम से कम? तुम सबको बहुत जोर से बोलना चाहिए था, यस सर, कैसी बात कर रहे हो सर, मजाक है क्या? हमसे ही लेगा तो आपसे लेगा? हमेशा जोश में रहा करो यार, ऐसे कैसे काम होगा। और आप लोग भी शनिवार को हम लोग मिलेंगे, प्रयास कीजिएगा कि जो भी आपके पास ये पीडीएफ पहुंच रहा है इससे आप करें क्वेश्चंस, इसके अलावा बाकी आप और जहां से भी कर रहे हैं वहां से भी करने का प्रयास कीजिए। तो हम परसों मिलते हैं, राइट? कोशिश करो, देखो जो भी टास्क है वो चैलेंजिंग होना चाहिए, है ना? बहुत ज्यादा आसान टास्क लेकर के उसको करके खुश हो जाना अच्छी बात नहीं होती है। और बहुत ज्यादा ऐसा भी टास्क मत ले लो कि एकदम हो ही ना। हमने तुम्हें एक ऐसा टास्क लिया है जो आसान नहीं है लेकिन डुएबल है, करना पॉसिबल है अगर एफर्ट लगाओगे तो, ठीक है? सो विद दैट रुकते हैं आज यहां पर, मुलाकात करेंगे कब? शनिवार को। शनिवार को जो आपकी वोकैबुलरी वाली क्लास है शायद वो 10 से 12 होगी, उसके बाद 12:15 से हम इसको फिर से रिज्यूम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।